अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दलिया, चिकन डाल के दलिया बनाएंगे। और सबसे पहले हम कुकर में तेल डालेंगे, 2 चम्मच, थोड़े तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें खड़ा मसाला डालेंगे, 1 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4-5 लौंग। अब हम इसमें प्याज डालते हैं, बारीक कटी हुई प्याज मीडियम साइज़ की है, और 4-5 हरी मिर्च पीसे कट करी हुई। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। प्याज मेरी लाल हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब इसको भी थोड़ा लाल कर लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालते हैं और थोड़ा भून लेते हैं। अब 2 तेज़पत्ता डालते हैं। अब इसमें चिकन डालते हैं, ये मेरा छोटे पीस में कटा हुआ 250 ग्राम चिकन है। इसको थोड़ा चला के इसको थोड़ा भून लेते हैं। 1 चम्मच नमक डालते हैं। अब पानी डालते हैं, इसमें 1 कप पानी डाला हमने। अब इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं मीडियम आंच पर, बस 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये थोड़ा गल जाएगा। इसको खोल देते हैं, 5 मिनट हो चुका है और चिकन मेरा हाफ गल चुका है। अब इसमें दलिया डालते हैं भीगी हुई, इसको 5 मिनट पहले भिगा दिया था 1 कप दलिया। अब इसमें पानी डालते हैं, इसमें पानी डालेंगे हम 4 कप, 1 कप दलिया थी तो हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। अब इसको चला कर बंद कर देते हैं 10 मिनट के लिए। अब इसको पकाएंगे 1 सीटी आने तक तेज आंच में और फिर मीडियम आंच में। देखिए मेरी दलिया बन चुकी है। इसको थोड़ा पतले ही रखेंगे ताकि थोड़ी सी देर में ये बहुत गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट बनी। अब मेरा चिकन भी बिल्कुल गल गया। अब इसमें गरम मसाला डालते हैं 1/2 टेबल स्पून। सर्व करते हैं तो आपको दिखाते हैं। देखिए मेरी दलिया बनके तैयार है। इसमें हमने तली हुई प्याज डाला है थोड़ी सी, और हरी धनिया, नींबू और मूली के साथ सर्व किए। मूली इसमें बहुत अच्छी लगती है, नींबू डालकर मूली से खाइए तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग इसको बनाइए ज़रूर से, बना के कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी हुई है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।